हाय पिला माने, दिस इज रमाकांत एंड वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट। पिला माने, आज क्लास रे हम डिस्कशन करिबा हमर वीडियो लेक्चर तुम मानकर प्लस टू फर्स्ट ईयर इनविटेशन वन प्रो चैप्टर पिला माने, दि लेजेंड बिहाइंड ए लेजेंड चैप्टर पिला माने, तुम मानकर यूनिट ट्रिपल आई रो प्रश्न उत्तर तुमन पई कहि परिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास रहिबो। ध्यानपूर्वक पिलामाने प्रैक्टिस करो एवं तुमने गोटे रिक्वेस्ट मोर जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को आसीच प्रथम प्लेलिस्ट को देख और प्लेलिस्ट तुम पाइपर पिलामाने ये चैप्टर तुमको मुझे बहुत बढ़िया भाव में डिस्क्राइब करके बुझे तुमने प्रथम पिलामाने से क्लास को देखी नियोतापुर तुम चाहिए ये प्रश्न उत्तर जहाँ भी तुमको आगे करा स्ट्रक्चर तुम भलसे क्लीयर कर देख कहीं क्या पाने तुम जदि कहानी को भलसे न बुझ गोटे सेकेंड दियो जदि पाने कहानी को न बुझी पार भलसे ताले एत गुरुत्वपूर्ण क्लास तुम ये तुमने भलसे क्लीयर करना तेणुक पाने मोर गोटे रिक्वेस्ट तुम जे यूनिट ट्रिपल आई एक्सप्लेन क्लास को तुमने प्रथम देखी नियो कष्ट शब्द क्लीयर करनियो एवं स्ट्रक्चर क्लीयर करनियो कहानी को भलसे माइंड में रखी नियो तापर प्रश्न उत्तर तुमको बेस्ट लगे ओके एवं जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख क्लासेस संपूर्ण रूप से तुमको सिंगल बाय सिंगल भले टाइम ले पिला माने किंतु मुझे चाहिए तुमने बेस्ट क्लास सब ग्रहण कर ओके चल पिला माने प्रश्न नंबर वन तुम स्क्रीन में देखा मिलूब तुम प्रथम देख जो प्रश्न नंबर वन आम कौन पचार एक नंबर प्रश्न थेम कौन अच्छी प्रथम क्वेश्चन टी भलसे पढ़ नि व्हाट थ्योरी डिड मिस्टर चौधरी प्रूव रॉन्ग श्री चौधरी क्यों सिद्धांत को भूल प्रमाणित करते पाने क्यों सिद्धांत को भूल प्रमाणित करते भूल प्रमाण कले आम पाने जो क्यारेक्टर पाइबा जमीकिपर मिस्टर चौधरी हो गोटे क्यारेक्टर आम तर फुल ना जाचे सरोज राज चौधरी तुमने जब कहानी भलसे बुझी थो तुमको यह सब किसी आवश्यक पड़े ना तापर पिलामाने आमे आउ जने विशिष्ट जर्नालीस्ट आम कहीपर जहाँ को आम सांबादिकता कहीपर जे संवादर दाता बाजे लोकों कथा को अन्य मानने लोकलोचन को आनी था असुविधा कथा को दुख को समाज को आनी था विशिष्ट जर्नालीस्ट आम कहीपर सीनियर जर्नालीस्ट से चाहते एन एस आयंगर ओके तुम बुक्रे पाने ना लेखा अच्छे सहित पाने आम कि कहीपर पशुपक्षी को भेटा जाणी विषय जहाँ तुमको मुझे अलरेडी बुझे विभिन्न प्रकार प्रजातिर पशुपक्षी जार कहानी पाने बर्तन आम पढ़ुचे बुझिपार कि कहानी प्रश्न उत्तर बर्तन आम आलोचना करुचे पाने प्रश्न नंबर एक चौधरी जो सिद्धांत भूल प्रमाण करते सिद्धांत कह पाने थ्योरी कह थ्योरीटा कौन थी मिस्टर चौधरी प्रूव्ड The theory that different species of wild animals cannot coexist unless they are together from infancy wrong पाने तुम मन रख यूठ आरंभ है से थियोरी और थियोरी शेष होन्फासी पाखे मिस्टर चौधरी को कहवा कथा जे से जो जो आम कहीपर थियोरी को भूल प्रमाण कर थियोरीटा कौन जे विभिन्न प्रजातिर वन्यजंतु माने एकत्र रही पारे ना जदि से बाल्यकाल एकत्रित हो बास करते मैं कह तो जदि भी आम विभिन्न प्रकार पशुजंतु मानक भावनीय साप हौ बाघ हौ भालू ये सब प्रकार पाने जो विभिन्न प्रकार प्रजातिर जीवजंतु मैंने अच्छा समस्त को एकत्र बास कर रखिपर जदि इनफेंसी इनफेंसी कह पाने ये हूँ गोटे चाइल्डहुड स्टेज ओके चाइल्डहुड स्टेज थाए इनफेंसी थाए एडोलेसेंस थाए तुमने नेक्स्ट क्लास जान तुमने जिते अधिका अधिक क्लास पढ़ो से सब जापर तो इनफेंसी पाने चाइल्डहुड गोटे स्टेज थाए जदि पिला बेलू आम विभिन्न जीवजंतु मानक एकत्र कर रखिपर ताली से एकत्र रहीपर अदरवाइज रहीपर ना एक यहाँ थ्योरी थी कहींपर एटा हूँ यूनिवर्सल थ्योरी थी जहाँ को भूल प्रमाणित करे से चौधरी केमी ना चौधरी तांकर बासगृह बासभवन से कौन कर विभिन्न प्रकार बयसर
जीवजंतु को पालन कर अर्थ कौन है पाने से ये जो थ्योरी थी जो आम जब पिला बेलू रखी जीवजंतु अलग अलग प्रकार जीवजंतु एकाठी रही पार से भूल प्रमाणित करदे आई होप पाने प्रश्न नंबर एक तुमको संपूर्ण क्लीयर बुझा पड़ा ओके जदि तुमको संपूर्ण रूप से अनुवाद बुझा पड़ी एक्सप्लेन क्लास पाला तुम भलसे देखी तालोले आउ कि भी आवश्यक पड़ ना पाने प्रश्न नंबर दुई ह्वाट व्वाज हिज फास्ट स्टोरी अबाउट पाने जेहेतु आम यूनिट थ्री पढ़ुचे तो यूनिट वन आउ टू तुमको आईदर भलसे मन थी जदि ना प्रथम वन टू थ्री की धर थर पाने पढ़ी न जो मैंने पढ़ी देच ताल बेस्ट जो न पढ़ी प्रथम ताको एक्सप्लेन करनी और तार प्रश्न उत्तर देख तापर यूनिट ट्रिपल आई आलोचना कर ह्वाट व्वाज हिज फास्ट स्टोरी अबाउट आम कहकर कह पाने मिस्टर चौधरी प्रथम कहानी कौन थिला चौधरी कहानीटा प्रथम आम कहपर कौन थिला लिखा पाने हिज फास्ट स्टोरी व्वाज अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट अन ए यंग टाइग्रेस रिएक्शन टू ए स्नेक टू स्पीक अबाउट मिस्टर चौधरी सेड हाउ खैरी रिएक्टेड व्वेन ए क्राति व्वाज नियरिंग हर पाने तुमको कही आम गोटे क्यारेक्टर देखा बाघ बाघ ना पाने सरी बाघुणी बाघुणी पाने ना तर खैरी गोटे बाघुणी कहानी ओके आम पाइबा पाने क्राति ओके आम कह साप ओके आउ जो अच्छे जम्बू मन अच्छे पाने कहानी सी हूँ भालू सेमती प्रथम कहानी पाने कौन थी ना एक बाघर साप उपर प्रतिक्रिया तांकर परीक्षण विषयटा थिला प्रथम तांकर कहानी जेतेबेले क्राति तांकर निकट को आसुथिला खैरी बाघुणी किपरी प्रतिक्रिया थिला ए विषय रे कहिया पई श्री चौधरी तांकर प्रथम परीक्षण करथिले ओ तांकर प्रथम कहानी मध्ये पब्लिश हेतिला ए टॉपिक उपरे कोन पिला माने जे केउभली भाबर बाघ एवं पिला माने साप दुई जना पाखा पाखे हेला परे बा कहि परे सामना सामनी हेला परे प्रतिक्रिया रहिबो तांकर कहानी टी प्रथम प्रकाशित होइतिला आई होप पिला माने क्लियर है तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाने प्रश्न नंबर तीन देख व्वाई इज इट सो यूनिक एंड अमेजिंग पाने कहले बुझा जो यूनिक कहले आम कौन जाचे और अमेजिंग कहले जाचे यह एत अन्य आश्चर्यजनक कहीं पाने देख ए प्रकार परीक्षण तुमने आगु के शुच कि तुमको बुक छाड़देले ना तुमने पाने के शुण कि मुझे शुणी ए विषय में मुझे शुणी तो पाने ये है ना यूनिक अद्वितीय यूनिक ओडिया पिला मने अद्वितीय बा अनन्य काहेकि ना ता भले जदि कि नथव तले आम अनन्य कहिबा बा सेई भले जदि किछ नथव तले आम अद्वितीय कहिबा जेमिति सूर्य सूर्यर पिला मने अद्वितीय वस्तु तमे केबे देखिछ ना चंद्र केबे देखिछ ना ई पिला मने यौछि यूनिक सेमति ए प्रकार परीक्षण पिला मने यूनिक एथि पई काहेना ए प्रकार परीक्षण आगरु केहिबि करि नथिले सेमति प्रश्न कौन पचारे पाने ये अनज अन्य आश्चर्यजनक कहीं दि एक्सपेरिमेंट व्वाज यूनिक बिकज नो सच एक्सपेरिमेंट व्वाज क्यारिड अन् बिफोर कहीं ए प्रकार परीक्षण केवे भी आगु कर दि एक्सपेरिमेंट प्रोभाइडेड इट अब्जर्वस अमेजिंग रिजल्ट ए परीक्षण पाने एक कहींपर चमत्कार आश्चर्यजनक फल बाहर था जमीक परीक्षण अनन्य कारण यह पूर्व कौन सी परीक्षण कर यह पूर्व पाने लिख एपरी कौन सी परीक्षण करा जाए नथिला जेहेतु करा जाए नथिला परीक्षण जो फलाफल पर्यवेक्षण आम कहीपर जो मैंने पर्यवेक्षणकारी जो मैंने पर्यवेक्षक थे जो मैंने देखुले जो मर तीक्षण दृष्टि थी परीक्षण फलाफल कौन बाहर तार गोटे फल जो बाहर ता समस्त आश्चर्य कर देता जे ना लेखकों जो कहानी प्रकाश होती परीक्षण संपूर्ण सफल फलाफल आसी बुझिपाल प्रश्न नंबर चार व्हाई डिड मिस्टर चौधरी अलाउ खैरी पाने खैरी जान चाहे कहीपर बाघुणी ओके बाघुणी व्हाई डिड मिस्टर चौधरी अलाउ खैरी टू कम नियर क्राति श्री चौधरी कहीं खैरी को एक क्राति पाने एक लिखा कथ नु ट्रांसलेटर मिस्टेक अच्छी खैरी को क्राति निकट को आसवाक अनुमति दे पाने कहीं कहल देख साप आघ दुजन प्रतिक्रिया आवश्यक अच्छी आंसर लिखे पाने जे मिस्टर चौधरी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन ऑफ अ यंग टाइगर स्नेक वन डे ए बेबी क्राति व्वाज फाउंड इन द हाउस थे कहीं गोटे शिशु साप कह बेबी क्राति कह पाने गोटे शिशु साप गोटे आम कहीपर छोट से मैंने सापटे मिलता घर वो रूम भितर ता ना पाने क्राति तो ये दीज प
ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘର ନାଁ ନେବା ଖଇରୀ ଏବଂ ଦୁକ୍ରାତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ହିଁ ସାପ ବାହାରିଗଲା ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସୋ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆଲାଉଡ୍ ଖଇରୀ ଟୁ କମ୍ ନିୟର କ୍ରାତି ତେଣୁକରି ସେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଘ ଯାଉ କାହା ପାଖକୁ ସାପ ପାଖକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେଟ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଖଇରୀସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅ କ୍ରାତି ପିଲାମାନେ କ୍ରାତିକି ଦେଖିକରି ବା କ୍ରାତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖଇରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ବା ଖଇରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଖଇରୀ କହିଲେ ବାଘୁଡ଼ି ଆମେ କ୍ରାତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ସାପ ଖଇରୀ ୱାଜ୍ କ୍ୟୁରିଅସ୍ ଟୁ ନୋ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଚର୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖଇରୀ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖଇରୀ ଆଗରୁ ସେ ଘରେ ଥିଲା ସରି ଖଇରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା ସାପ ପିଲାମାନେ ପଛରେ ଆସିଲା ଏଠି ଖଇରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନା ଖଇରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲା କ୍ୟୁରିଅସ୍ ଥିଲା କୌତୁହଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ରାତି ଏଠି ଆସିବ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ କେତେବେଳେ ବା ସେ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ସେ କ୍ୟୁରିଅସ୍ ରହିକି ରହିଥିଲା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ୟୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ହିମ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ପିଲାମାନେ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ହିମ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ଆମେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଚୌଧୁରୀ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହାଡ୍ ସିରିୟସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କ୍ରାତି ଦି ଭିନୋମିୟସ୍ ସ୍ନେକ୍ ୱାଜ୍ ଗେଟିଙ୍ଗ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଖଇରୀ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପୁଲ୍ଡ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହି ୱାଜ୍ ବିଟେନ୍ ବାଇ ଦ କ୍ରାତି ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅନ୍ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅନମନସ୍କ ରହିବା ହି ଟୁକ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀ ହୋଇଗଲେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗର ନାଁ ଯେମିତିକି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାଘ ଏବଂ ସାପକୁ ପାଖାପାଖି ଆଣି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯାହା ଲେଖକଙ୍କର ବା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ରାତି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଖଇରୀର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଚୌଧୁରୀ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ନେଇଥିଲେ କ୍ରାତି ସାପଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଖଇରୀ ବାଘୁଣୀ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଧରି କ୍ରାତିର ଟାଣି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଟିକିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କ୍ରାତି ବୁଲିକିରି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହାଇପୋଗ୍ଲାସିମିଆର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀ ବା କହିପାରିବା ମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଗଲା ହାଇପୋଗ୍ଲାସିମିଆ ରୋଗ ସେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ହାଇପୋଗ୍ଲାସିମିଆ ରୋଗ ସହିତ କ'ଣ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବିୟର୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିୟର୍ ବିୟର୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ବି ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲ ଭାଲୁ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଲେଖାଗଲା କାହା ପାଖକୁ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୌଧୁରୀଟାକୁ ଡକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଲେଖକ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା ଭାଲୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଦି ବିୟର୍ ଜମ୍ବୁ ଜମ୍ବୁ ତା ନାଁ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟୁ କେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଅନ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଟୁ କେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସକ୍ତି ନେବା ମାନେ ଉପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଫନ୍ନେସ୍ ଟାୱାର୍ଡସ୍ ଦ ରାଇଟର୍
लेखक उपर स्नेह प्रकाश करने भालु आलिंगन पूर्वक चढ़ीगला। हि क्लाइम्ड बिहाइंड हिम टू गिव हिम हिज बियर हग। भालु तार जो निजस्व तुम देखी कुकुर देखी थो जब तुम दूर आसुच तुम घर रही जो पोषा कुकुर तुम दुईट गोड़ उपर देखी मैंने दुईट गोड़ उपर देखिए तुम उपर से चढ़ी जाए। पे देखी ना ना एमती हाथ देखिए तुम अंटा उपरको गोड़ उपर से चढ़ी जाए। सेमती भालु कौन कला जम्बू लेखकों ऊपर आलिंगन पूर्व चढ़ीगला और तार जो भालु तार स्नेह देखापी तार स्नेह प्रकाश करने आलिंगन पूर्वक ऊपर दुई गोड़ खेल आरंभ कला क्या सहित लेखकों सहित बुझिपार। प्रश्न नंबर आठ पिला माने व्हाट प्रिभेन्टेड दि बियर फ्रॉम डूइंग सो। भालु को एपरि न करबा को कौन प्रतिरोध करा जायता। पिला माने जेतु भालु ए प्रकार बिहेव करछि त आमे सेम बेले को ना नै ए मंटू ए पिंटू किबा माने सॉरी कोनो से ना नउछि त ए टपी आसा साडु का जा एमते आमे कहिथाउ ना धर के जे नुवा संग साथे हमरा आछन्ति त सेमति मिस्टर चौधरी द्वारा किछि ताकु निर्देश दे जायतला। पिला माने भालु के एपरि न करिया पई प्रतिरोध करा जायतला। आंसर को लिखि परे पिला माने आंसर है ए स्टर्न। स्टर्न कहे पे कौन बुझुच गोटे जमी तागिद कला भाई ए स्टर्न नो फ्रॉम इट्स मास्टर मिस्टर चौधरी प्रिभेन्टेड द बियर फ्रॉम गिविंग द राइटर हिज बियर हग। तार गुरु कठोर निष्ठुर ना शुण एक ना ए प्रकार सेन्स से चौधरी भालु को तागिद कले और लेखक को तार भालुर आलिंगन करने को बारण कले जम्बू कहले तू तोर आलिंगन करा कि आवश्यक नहीं तो आड़ को पलिया तो ना कहीकि कौन कर प्रतिरोध करे। पाने नौ दस तुम दुईट क्वेश्चन रहा यूनिट थ्री पाने इम्पोर्टेंट रहा तुम जो तुम क्वेश्चन को भलसे पढ़ की बुझ अदरवाइज पाने से देखिले तुमको किसी भी बुझा पड़बनी तुम कन्फ्यूजन बेसी बढ़ जा बुझिपार। जा नेक्स्ट क्वेश्चन पाने प्रश्न नंबर नौ तुम स्क्रीन उपर टे ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ा चेष्टा कर। देख व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डिड मिस्टर चौधरी हाव बा कहीपर मिस्टर चौधरी परिवार की प्रकार थिला की प्रकार पिला माने कहले केते लोक थिले परिवार जॉइंट थिला ना अलग अलग थिला किमा किए से रहुतिले एई प्रकार सेंस हम कहीपर चौधरी परिवार की प्रकार रही आंसर लिखिपर। मिस्टर चौधरी हाड़े वेरिएबल जॉइंट फैमिली दैट वाज लिविंग इनसाइड वन कंपाउंड इट वाज ए फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ए मंगोस ए पेंगोलिन वाइल्ड कैट्स ट्विन ए कंट्री डॉग एंड ए ब्लाइंड हाइना इस एनिमल हाड़े फंड नेम जमीक पाने चौधरी एक सत्यवादी मिलित परिवार रही जार गोटे घर भर से एकत्र रोते यह एक परिवार मानव मंगोस पेंगोलिन बणुआ बिलई जाँला देशी कुकुर एक अंध हाइना प्रत्येक पशुकर एक प्रिय ना था सहित पाने भालु थी आम कहीपर ता ना जम्बू ओके आम कहीपर पे खैरी क्राति ए समस्त को मिलित गोटे पर सहित किए से मिस्टर चौधरी रोते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर टेन व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप विथ डिफरेंट एनिमल्स। तो विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रजातिर प्राणी मान सहित मिस्टर चौधरी क्यों भाव में संपर्क था पाने विभिन्न पशु मान सहित संपर्क कौन रही। आंसर मिस्टर चौधरी वाज भेरी काइंड एंड कन्सीडरेट टावर्ड्स डिफरेंट एनिमल्स ही वाज कनसर्ण अबाउट देम एंड ट्रीटेड देम अफेक्शनेटली। श्री चौधरी विभिन्न प्राणी मान प्रति अत्यंत दयालु और जत्नशील थे से विषय चिंतित थे और स्नेहपूर्ण व्यवहार करुले। तो पिला कहीपर जेहेतु लेखक एत बड़ स्टेप नहीं लेखक जो बंधु जी थे मिस्टर चौधरी एत बड़ स्टेप नहीं बहुत भल मधुर संपर्क थिला से विभिन्न पशु मान मन कथा हृदय कथा जापे सहित लालन पालन से कौन प्रकार कम रखी नुझिपार। पाने नेक्स्ट क्लास में आम यूनिट आई भी प्रश्न डिस्कशन करवा तुमको मोर गोटे स्ट्रंग रिक्वेस्ट प्रथम एक्सप्लेन क्लास पे भलसे देख तापर ही तुमने बेस्ट कर प्रश्नोत्तर करने सर्ट क्वेश्चन क्लीयर करने बहुत बहुत धन्यवाद पे जय हिंद जय भारत।